नमस्कार दोस्तों, एसएसयू एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताया था, आलोक इंडस्ट्री ने एक स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया है और वहाँ से ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंट देने का यहाँ पे चांसेस है। करके आज के दिन मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था मॉर्निंग में, जैसा कि अदानी ग्रुप का न्यूज़ आया और वो स्कैम का न्यूज़ आते से ही सभी पूरा मार्केट में सभी शेयर्स में गिरावट आ गई। तो आलोक इंडस्ट्रीज में भी गिरावट आई थी और आज के दिन आलोक इंडस्ट्रीज में लगभग 25 रुपये का लो बनाया था। 25 रुपये अपना जो सपोर्ट वाला एरिया था, उससे नीचे जाके वापस यहाँ पे बैक इन एक्शन आ गया आलोक इंडस्ट्रीज, और आज के दिन हाई बनाया 31.70 का और क्लोजिंग हुआ है 31 रुपीज़ के ऊपर। काफ़ी अच्छा 8% के आसपास ऊपर क्लोज हुआ है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे आगे भी मोमेंट जारी रहने की संभावना है, इसलिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं चार्ट के हिसाब से और जैसा कंपनी का स्ट्रक्चर हमने बताया था उसके हिसाब से। तो हम चार्ट के ऊपर जाके चर्चा करेंगे दोस्तों। और अभी आपके लिए एक थोड़ा सा ये है कि 20% वाला सर्किट लिमिट था, वो रिवाइज होके 10% हो गया है आलोक इंडस्ट्रीज का, आप देख सकते हैं। तो कल के लिए सर्किट ब्रिज रहेगा 34.15 10% का, नो प्रॉब्लम दोस्तों। लेकिन एक मोमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सामने चार्ट है दोस्तों, और ये वाला कैंडल वीकली कैंडल लास्ट वीक का था, ये आज का कैंडल है और आज का कैंडल एक बुलिश मोमेंटम दिया है, बुलिश हैमर है। और यहाँ पे भी आज के दिन भी लगभग 18 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम, 18.5 करोड़ का वॉल्यूम है, काफ़ी अच्छा एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये लास्ट वीक का वॉल्यूम, लास्ट वीक का यानी लास्ट 2 दिन का वॉल्यूम था 32.27 करोड़ का। तो काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट है और ये मूवमेंट सबसे पहले ये लेवल जहाँ पे हमने मार्क किया है 40.30 का लेवल, तो 40.30 के लेवल के आसपास अभी ये मूवमेंट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। और 40.30 के आसपास जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने का चांसेस है, और एक कंसोलिडेशन के बाद एक नया रेंज फॉर्म होके अगेन ये मूवमेंट लेने के लिए तैयार होगा। वापस से ये अभी जो स्ट्रांग बेस बना हुआ है उस बेस के नीचे वापस प्राइस आते हुए नहीं देख सकते, अभी यही फिलहाल लग रहा है दोस्तों। वैसे देखा जाए तो मार्केट है, मार्केट में कुछ भी होता है, लेकिन फिलहाल जो प्राइस एक्शन बोल रहा है इससे 40.30 के आसपास ये आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। और उसके बाद ये डेफिनेटली इसका ऑल टाइम हाई है 61.40, 61.40 के आसपास जाएगा, और 61.40 के आसपास जब जाएगा उसके बाद हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा हमने आलोक इंडस्ट्रीज का आपको बताया है, जब से इसको आफ्टर रेजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंटेशन रिलायंस ने टेक ओवर किया है, तब से यहाँ पे इस कंपनी में खराबी कुछ नहीं है दोस्तों। जब जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, रिलायंस का एक अच्छा नेटवर्क, एस्टेब्लिश नेटवर्क कंपनी के बिजनेस के अलावा मिल रहा है, रॉ मटेरियल रिलायंस से आलोक इंडस्ट्रीज को मिल रहा है, और अभी फ्यूचर ग्रुप रिलायंस डील में भी कुछ पॉजिटिविटी आने के चांसेस है। तो वो भी एक अलग एरिया यहाँ पे हो सकता है जो आलोक के लिए भी पॉजिटिव होगा। देन यहाँ पे बहुत सारे टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल तेजी में रहने की उम्मीद है अगले आने वाले 2 से 3 सालों में, और ये पेंडेमिक के चलते डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त राइज होने के चांसेस टेक्सटाइल सेक्टर में दिख रहे हैं दोस्तों। तो ओवरऑल आलोक इंडस्ट्रीज के लिए अभी निगेटिव ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिव ही है, लेकिन आपको केयरफुली लेवल्स को वॉच करना है और लेवल्स को वॉच करते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही पूर्ण विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका कुछ भी होगा कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।